वाहेगुरु सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तोडे महला पंजवा हार बिसरत सदा खुआरे ताका धोखा कहा व्यापा जाका ओट तुहारे हार बिसरत सदा खुआरे ताका धोखा कहा व्यापा जाका ओट तुहारे रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अर जारे नव खंडन को राज कुमावा अंत चला गो हारे गुण निधान गुण तिन्ही गाए जाको कृपा धारी सो सुखिया धन उस जनवा नानक त्विस बलिहारी गुण निधान गुण तिन्ही गाए जाको कृपा धारी सो सुखिया धन उस जनमा नानक तिवस बलिहारी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। बल छुटक्यो बंधन परे कछु न होत उपाए कहो नानक अब ओट हर गज ज्यों हो सहाए बल हुआ बंधन छुटे सब किश होत उपाए नानक सब किश तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाए हक हक अंदेश गुर गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुर गोबिंद सिंह परम सन्मान योग जुगो जुग अटल चवर छत्र तख दे मालक साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बख्शिश भरी पावन पवित्र चरण शरण वे सुभाए मान गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संग जीओ सब वडभागी हाँ जिन्हां नूं मनुखा जीवन दे ए पल सतसंग दी जुग द्वारा गुरु चरणा विच जुड़ बैठ के सफले बनाउण दा सुभाग समा प्राप्त होया है। सचखंड श्री हरिमंदर साहिब तों दीन दुनिया दे मालक साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने त्रुट करके जो मुख वाक बख्शिश कीते हन उसका मूल पाठ हुणे ही आप जी ने सरवण किया है। धन धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी दे उचारण किए हुए ये अगमी वाक साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 711 अते 12 ते टोडी राग विच शोभनीक हन जिथे आप जी ने मुखवाक दी विचार सरवण करनी है उत्थे अज दा ये पवित्र दिहाड़ा नानकसाई कैलेंडर दे मुताबक दशमेश पिता साहिबे कमाल सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी
अज दे दिन गुरगद्दी ते विराजमान हुए सन। नौवें पातशाह तिलक जन्यू दे राखे धर्म दी चादर त्याग अनुराग अते वैराग दी मूरत साहिब सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी उन्हां दा अज शहीदी दिहाड़ा है, जो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों अते संसार भर दियां संगतां वल्लों जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा सिख रह रहे ने बड़ी ही श्रद्धा ते भावना नाल मनाया जा रहा है। सब तो पहला मन बिरतियां नू सारे करो एकागर, दास दी ते अपनी हाजरी गुरु चरणा विच लवाउंदे होए गुरु फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शहादत नू हर धर्म अंदर हर समाज अंदर किसी न किसी रूप दे विच प्रवान किया गया है, क्योंकि शहीद संसार दी शमा नू रोशन करन वास्ते अपनी चरबी ढाल के अपने लहू ते मिज दी अहूति दे के मनुखता दे जीवन दियां उच्चतम राहां नू रचनाउंदा है अते जुल्म सह रही अंधकार विच ठेडे खारी मनुखता नू ठेडे खाण तों बचाउण लई अपने तन तक दी ओह कुरबानी दे दिंदा है। शहीद शब्द फारसी दे तशाहत तों बनिया, जिहदा अखरी अर्थ है साखी भरना गवाही देना। शहीद अपनी जान तक कुरबान करके इस गल दी गवाही भर जांदा है कि यह ठीक है, मैं तुहाडी विचार नाल सहमत नहीं, पर तुहानू अपने विचार रखण दी पूरी खुल है ते उहदे लई मैं जे लोड़ पवे ते अपने प्राणा तक दी वी बाजी ला सकदा। सब तो पहला शहीद शब्द दी वरतों ग्रीक वासियां ने उस वेले कीती जदों उन्हां ने जहूदियां दे हत्थों पारसियां नूं अपने हक्कां लई कुरबान हुंदे देखिया। इसे तरह ईसाई मत अंदर जिहड़ा बंदा धर्म त्यागण दी जगह मौत नूं चुणदा है ईसाई वीर कहिंदे ने उह शहीद है। ईसाइयां दे मुताबक भी बंदे नूं अपना धर्म नहीं त्यागना चाहीदा, धर्म विच परिपक्क रहना चाहीदा। इस करके कदे भी जिंदगी विच मनुख धर्म तब्दील ना करे, इहदे बदले मौत नूं तां चुण लवे। ईसाई भाईचारा कहिंदा है भी उह शहीद है। इस्लाम अंदर शहीदां वास्ते बड़े सुंदर अल्फाज कहे गए ने, जो आशिक हैं शहादत के वो जीना छोड़ देते हैं, खिलौना समझ कर जिस्म को खुशी से फोड़ देते हैं, ना ताजो तख्त ना हूरों की हसरत, खुदा खुदाई भी दे तो उसको मोड़ देते हैं, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात है वो मौत भी हयात है। हयात नाम जिंदगी दा, जिंदगी तो जिंदगी हुंदी है पर जेड़ी शहीद दी मौत है वो भी कौमां वास्ते जिंदगानी होया करदी है। जदों भी असी कुरबानियां दा जां शहादतां दा इतिहास पढ़ीए, साडे सामने शहीद होण वालियां दी कुरबान होण वालियां दी एक लड़ी इतिहास राही जदों प्रगट हुंदी है ते हैरान होईदा कि अपने धर्म करम लई अपने हक्कां लई अपने समाज लई अपनी उम्मत लई अपने देश लई आदि काल तो ही प्रभु प्यारे समाज सेवक दो शब्द वरते ने, क्योंकि एक कौमी शहीद हुंदे ने ते एक ओ
जेड़े केवल देश प्रेम की खातर आपा वारदे ने। प्रभु भगत महापुरख समाज सेवक आदि काल तो ही अपने हकां लई धर्म कर्म लई कुरबान हुंदे आए ने, आपा वारदे आए ने। पर सिख धर्म के अंदर जिहदी बुनियाद गुरु नानक साहब जी ने सच की बाणी नानक आखै सच सुनाए सी सच की बेड़ा दे सिधांत ते रखी है, ते जदों भी किते इस सच धर्म नूं खतरा पैदा होया ते जेड़ा संकल्प गुरु नानक साहब ने दिता है, जौ तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर त्रीजै सिर दीजै कान ना कीजै। उस सिधांत ते पहरा दिंदिया पंचम गुरदेव गुरु अर्जन देव साहब जी ने तत्ती तवी ते बैठ के शहादत दिती। ये शहादत केवल सिखां वास्ते नहीं सी, अपनियां वास्ते नहीं सी, बल्कि ये मनुखता वास्ते सी, तां के संसार दे अंदर जबर ते जुल्म दा मुकाबला सबर नाल करके संसार दे अंदर शांति अमन ते भाईचारक सांझ जिहड़ी है उहनूं बरकरार रख्या जावे। यही कारण कि गुरु अर्जन देव जी नूं असी सत्कार सहित शहीदां दे सरताज कहने आ। इवें नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहब वह कुरबान हुंदे ने, पर कुरबानी अपनियां वास्ते नहीं सगों उस धर्म वास्ते हुई जिस धर्म दे विच गुरु तेग बहादुर साहब दा अपना कोई विश्वास नहीं। ना तो सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब तिलक विच विश्वास रखते सन, ना जन्यू पाउण विच विश्वास रखते सन, ना उन्हां दा धोती बोधी विच विश्वास सी। गुरु तेग बहादुर साहब कुरबान होए शहीद होए दूसरे धर्म की राखी लई। इस करके सिख धर्म ने जिहड़ा शहादत का संकल्प दिता है वह दूसरे धर्मां नालों बिल्कुल विलक्षण अदुत्ती अते लसानी है, क्योंकि यह कोई फिरका प्रस्ती नहीं, कोई किसी की गल नूं घटा के पेश करन वाली बिरती नहीं, बल्कि इतिहास पढ़ के वेख लो अपनियां लई तां सदा ही कुरबानियां हुंदियां आईयां ने, पर दूसरे लई आपा कुरबान कर देना यह तां संसार विच पहली वार होया सी। इसे करके एक हिंदू लिखारी लाला दौलत राय ने लिखिया कि असी सुनिया जरूर सी भी उल्टी गंगा बहिंदी है, पर अज तक कदे उल्टी गंगा वगदी वेखी कोई नहीं, पर गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत ने उल्टी गंगा वहा दिती कि जिस धर्म कर्म विच अपना विश्वास तक भी नहीं उस धर्म कर्म लई आपा कुरबान कर देना। इसे लई उन्हां दे बहादुर सपुत्र दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत नूं इस भयानक बिखड़े समें दे विच वापरिया होया सब तो वड्डा साका किया। साहब दे बचन ने तिलक जन्यू राखा प्रभ तांका कीनो बड़ो कलू मैं साका, धर्म हेत साका जिन किया सीस दिया पर सिर न दिया, साधन हेत इति जिन करी सीस दिया पर सी ना उचरी। धन गुरु तेग बहादुर साहब कलयुग दे जां इस भयानक समय विच बहुत वड्डा साका वरता गए, जिन्हां ने अपने सिर धड़ दी बाजी ला के मजलूमां दी दीना दी अते जिहड़े शरण आए सन उन्हां दी रक्षा कीती। छेवें पातशाह मीरी पीरी दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहब जिन्हां दे ग्रह विखे गुरु तेग बहादुर साहब जी का प्रकाश 1621 नूं अमृतसर की धरती ते गुरु के महल विखे हुंदा है। दसां पातशाहियां विच्चों केवल तां केवल गुरु तेग बहादुर साहब ने जिन्हां दा प्रकाश अमृतसर शहर विच होया। अमृतसर जिले दे विच तां आपां मानदे हां कि गुरु अर्जन देव जी का प्रकाश गोइंदवाल साहब की धरती ते, गुरु अमरदास जी का प्रकाश बासरके की धरती ते, छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी का प्रकाश गुरु की वडाली ये अमृतसर जिला ते है, पर
अमृतसर शहर विच दसां पातशाहियां विचों केवल तां केवल गुरु तेग बहादुर साहब ने इत्थे प्रकाश लैके अमृतसर दीआं संगतां ते बहुत वड्डा परोपकार कीता। गुरु के महल जिथे सतगुरां दा प्रकाश होया सी, गुरु हरगोबिंद साहब जी ने बालक नूं वेखदिआं ही कह दिता सी कि आम करके जदों संसार विच बच्चे जन्म लैके आउंदे ने ते इक लोक राय है कि ये पूर्वले जन्मां दे संजोगी एक दूसरे नूं मिलदे ने। बाणी दा वी फैसला है कि पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंतै को ना सहाई। किसे ने किसे तो कुछ लैणा हुंदा, किसे ने किसे दा कुछ देना हुंदा। आम करके लोक राय है कि लैण देण करके किसे दे घर कोई पुत्तर बन के आ जांदा, धी बन के आ जांदी है, कोई भरा बन के आ जांदा, भैण बन के आ जांदी है। पर गुरु हरगोबिंद साहब ने बालक वल वेखदिआं ही कह दिता सी कि यह दीन रक्षक ते संकट हरन है, यह दीना दी रक्षा करन वाला है ते अपने आप नूं खतरे विच पा के संकट विच पा के दूसरिआं दा संकट टालन वास्ते आया है। यह मेरा पुत्र कुछ लैण वास्ते नहीं, सारी उम्र कुछ ना कुछ दिंदा ही चलिया जावेगा, जे लोड़ पई ते मजलूमां दी खातर अपनी जान तक भी दे देवेगा। धन गुरु तेग बहादुर साहब दीन रक्षक ते संकट हरन। जदों गुरु तेग बहादुर साहब जी ने करतारपुर साहब दी जंग विच बड़ी बहादुरी दे नाल तेग दे जौहर विखाए ते उस वेले गुरु हरगोबिंद साहब जी ने घुट के छाती नाल लाया ते कह दिता ये मेरा पुत्र त्याग मल नहीं, ये तां तेग बहादुर है, तेग चलाउण विच बड़ी बहादुरी विखाई। कहिंदे बड़ा अहम योगदान रहा उस वेले जिहड़ी करतारपुर साहब की जंग नूं जितया गया, क्योंकि हत्थी पालिया पैंदे खां काले खां उस्मान खां चढ़ के आए ते सब तो वध गिणती 75,000 की गिणती वे सैना उत्थे पहुंची सी। पर इस युद्ध विच भी गुरु हरगोबिंद साहब जी ने दुश्मनां दे छक्के छुड़ा दिते ते वेख्या करतारपुर साहब दे निवासियां ने कोठियां दीआं छत्तां ते चढ़ के कि किवें गुरु तेग बहादुर साहब जी बहादुरी नाल जूझ रहे सन, दुश्मन दे आहू ला रहे सन। इतिहास कहिंदा है कि उस वेले गुरु हरगोबिंद साहब ने त्रुट के तीन बख्शिशां कीतियां सन, एक रुमाल, दूसरी पोथी साहब ते तीसरी कटार। ये बीज मात्र बख्शिशां सन, पर गुरु तेग बहादुर साहब ने इन्हां बख्शिशां नूं इन्ना वधाया, इन्ना लम्मा कीता कि जिहड़ा रुमाल सी उह तां बन गया धर्म दी चादर, जिहड़ी कटार सी उह तेग दा रूप धारण कर गई ते जिहड़ी पोथी साहब सी उहनूं पढ़ सुण के लिव ला के 59 शब्द ते 57 श्लोक गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उचारण करके मनुखता दा भला कीता। औरंगजेब वर्गा मुतसबी राजा जिहड़ा कहिंदा सी मेरे हुक्म नाल रागां ते पाबंदी लगी है, मेरे हुक्म नाल संगीत ते पाबंदी लगी है, गुरु तेग बहादुर साहब कितने विभाग सन कि पहला 30 रागां विच बाणी सी, एक नवां राग जय जावंती गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उचारण करके 4 शब्द जय जयवंती राग दे विच उचारण करके समझा दिता कि सचमुच गुरु तेग बहादुर साहब की जिंदगी विच पै काहू को देत नै पै मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान वाला जेड़ा संकल्प सी ओ मौजूद सी। जदों इन्हां तिन्हां बख्शिशां नूं गुरु तेग बहादुर साहब जी ने वधाया, पहला रुमाल तो चादर किवें बने, जदों भी अज असीं संसार दा इतिहास पढ़दे हां ते गुरु तेग बहादुर साहब नूं हिंद दी चादर भी कहा जांदा है, क्योंकि उस वेले दा मजलूम लोड़वंद हिंदू सी, पर जे किते उस वेले दा लोड़वंद मजलूम ईसाई हुंदा ते गुरु तेग बहादुर साहब नूं ईसाईयत दी चादर कहा जाणा सी, जे उस वेले दा लोड़वंद मजलूम मुसलमान हुंदा ते गुरु साहब नूं इस्लाम दी चादर कहा जाणा सी, पर उस वेले दा लोड़वंद मजलूम सी हिंदू,
इस करके गुरु तेग बहादुर साहब नू हिंद दी चादर पर कवि सेनापति जेडे गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे 52 कवियां विच्चों हजूरी कवि ने समकाली कवि ने उन्होंने स्पष्ट किया कि गुरु तेग बहादुर साहब केवल हिंद दी चादर नहीं ओ ते मनुखता दी चादर ने इंसानियत दी चादर ने उन्होंने धर्म दी चादर कहो जिथे गुरु तेग बहादुर साहब ने मजलूम दी राखी कीती है उत्थे सतगुरां ने अपना धर्म निभाउंदे होए एक धर्म दी राखी कीती इंसानियत दी राखी कीती। कवि सेनापति जी ने गुरु शोभा ग्रंथ विच लिखिया प्रगट भए गुर तेग बहादुर सगल सृष्ट पै ढाकी चादर करम धर्म की जिन पत राखी अटल करी कल युग मैं साखी सगल सृष्ट जानका जस भयो जे ते सर्ब धर्म बचयो। गुरु तेग बहादुर साहब जिन्हां दा धर्म सर्ब व्यापी धर्म सी उन्होंने पावन बाणी दे विच स्पष्ट कीता कि तीर्थ करै ब्रत फुन राखै नै मनुआ बस जांको नेफल धर्म ताहे तुम मानो साच कैत मैं जाको कल मैं एक नाम कृपा निद जाहे जपै गत पावै और धर्म तांकै सम नाहन ए बिद बेद बतावै। सतगुरु ने जिथे धर्म दी राखी कीती उथे दस दिता कि एक धर्मी ओदा की फर्ज बनदा है उन्होंने अपना धर्म निभाया है। हुण गल जदों आपां चादर दी करदे हां पिछले दो दिन दास ने गुरद्वारा बंगला साहब विखे भी कथा विचार करदिआं यह पक्ष संगतां दे नाल सांझा कीता सी कि भाई गुरदास जी भावें कि गुरु हरगोबिंद साहब तक वह होए ने पर उन्हां दीआं वारां विच्चों भी सानू चादर का संकल्प मिलदा है कि एक कपड़ा जिहड़ा किसी दे तन ते पै के उहदा पर्दा कजदा है बच्चा जन्म लै के संसार ते आउंदा है भावें सुंदर होवे भावें करूप होवे पर सब तो पहली लोड़ है कि इहदे तन ते कपड़ा पा के इहदा तन जिहड़ा है वह कजिया जावे। बहुत वड्डी लोड़ है बंदा भुखा रह सकदा है प्यासा रह सकदा है पर सब तो पहला जे लोड़ है तो बंदे नूं है कि मेरा तन जिहड़ा है यह कजिया जावे। हर वेले डर बनिया रहिंदा है कि कदे कोई मैनू बेपत ना कर दे मैनू नंगिया ना होना पवे मेरी इज्जत संसार दे विच रह सके सब तो पहला इनू अपने पर्दा कजन दी फिक्र जेड़ी है वह पई हुंदी है। ते भाई गुरदास जी ने जदों कपड़े दी चादर दी पर्दे दी गल कीती ते उन्होंने जिक्र कीता कहन लगे वेखो वडेव्या नू किसान पहला सवाह दे विच मसलदा है फिर उन्नू मिट्टी विच बीजदा है उहदी जदों बूटी भाव उहदा पौधा उगदा है वह कई तरह के जफर जालदा होया फल तक पहुँचदा उन्नू टींडे लगदे ने जदों सूरज दीआं किरणां उन्हां ते पैंदीआं ने टींडिआं दा मूँह फट जांदा उन्हां विच्चों रूह निकलदा उस रूह नू सवाणियां चुग के घर लै के आउंदीआं ने उन्नू पिंजिआ जांदा उन्नू वेलिआ जांदा उन्नू धो के कई तरह की पा दित्ती जांदी है उन्नू चरखे नाल कत्तिआ जांदा उहदे गोढ़े बणाए जांदे ने दर्जी आउंदा उन्नू कैंची नाल कटदा ते सूई नाल उन्नू सिउंदा इन्ना जफर जाल दा इन्ना संघर्ष करदा होया वेखो एक कपड़े तक वह पहुँचदा चादर तक पहुँचदा ते वह केवल एक मनुख दी एक प्राणी दी पत कज सकदा जे चादर किसी एक ते पा दईए ते एक दा पर्दा कजिया जांदा पर वारे वारे जाइए गुरु तेग बहादुर साहब तो जिन्हां ने समुचे हिंदू धर्म की पत नूं कज लिया। जिस वेले औरंगजेब नंगिया करन लगा सी उस वेले अरजोई कीती सी सतगुरु साडी धोती नूं खतरा साडी बोधी नूं खतरा साडे तिलक नूं खतरा साडे जंजू नूं खतरा ते अरदास भी पंडित कृपा राम ने 16 ब्राह्मणां दे समेत आके इहो कीती सी